बरेली निरंकारी ज्योत बालिए दो जहां कलियुग के अवतार जगत पिता सर्व कला संपूर्ण धन्य धन्य साहब श्री गुरु नानक देव जी के 553वें पवन पवित्र प्रकाश पर्व पर आज प्रेस वार्ता की गई। गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोए की तलबंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में 1459 ई को हुआ था। गुरु नानक पिता का नाम मेहता कल्याण दास और माँ का नाम तृप्ता था। गुरु नानक देव ने समाज सुधार हेतु 4 प्रमुख यात्राएं भारत, श्रीलंका, मक्का, इराक, ईरान, अफगानिस्तान की। उन्होंने समस्त मानव जाति को एक जैसा सत्कार बस सबका सम्मान करने के उपदेश दिए। प्रेस वार्ता करते हुए कुलदीप सिंह पन्नू मुख्य सेवादार ने कहा, 7 नवंबर को 6:30 पर रात 10:30 तक बिशप मंडल इंटर कॉलेज में अमृतमय कीर्तन दरबार लगाया जाएगा। 8 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक दीवान सजेगा। दोनों ही कार्यक्रम में गुरु का लंगर अटूट जारी रहेगा। सभी गुरुद्वारों में रात्रि में भी दीवान सजाए जाएंगे एवं दीपमाला होगी। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक पुस्तकों के स्टॉल को भी लगाया जाएगा। मुख्य गुरु पर्वत दीवान में 8 नवंबर को 15,000 से 20,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। यहां पर निशुल्क मेडिकल कैंप एवं रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में बुलाई गई है, जो सेंट्रल गुरुकुल कमेटी और बरेली की साथ संगत द्वारा मिलकर उनको बड़े धूमधाम से गुरु महाराज जी का प्रकाश मनाया जा रहा है 553वां। कल रात्रि शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक चलेगा और परसों 8 को सुबह प्रातः 8 से लेकर शाम 4 बजे कीर्तन दरबार चलेगा, जिसमें पंथ प्रसिद्ध के जागी जत्थे भाई तेजेंद्र सिंह जी खन्ना वाले आ रहे हैं, भाई अवतार सिंह जी हजूर जागी जत्था दरबार साहब गोल्डन टेम्पल जो कहते हैं वहाँ से आ रहे हैं, और ज्ञानी मनिंदर पाल सिंह जी रोपड़ पंजाब वाले कथावाचक आ रहे हैं। ये पंथ प्रसिद्ध कथावाचक कीर्तन जत्थे हैं जिनको महाराज के प्रकाशोत्सव में बुलाया गया है। सात संगत द्वारा इनको आमंत्रित किया गया है और ये कल दोपहर में सब रागी जत्थे कथावाचक बरेली पहुँच जाएंगे। इसमें बरेली की सात संगत और जत्थे माता भागकौर ग्रुप, अखंड कीर्ति जत्था, सिख जेवर जत्था, सिख मिशनरी कॉलेज, गुरबाणी सेवक सोसाइटी, खालसा पंथ सुखमणि सोसाइटी, गुरु सेवक जत्था, बरेली की समस्त गुरुद्वार प्रबंधक कमेटियों एवं स्थित सत्संग द्वारा मिलकर मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम कल 7 से 7 और 8 को मनाया जाएगा, 2 दिन चलेगा। ये पंडाल का कार्यक्रम 4 दिन चल रहा है। कल शाम को 6 बजे गुरु महाराज की सवारी आएगी और 6:15 बजे पाठ आरंभ हो जाएगा और रात की 10:30-11 बजे तक चलेगा। जो परसों सुबह प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे चलेगा। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।